वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज एराकुंटे में हैदराबाद में और बहुत ही शानदार सिलेक्शन में यहाँ का बतलाने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ का लैंडमार्क, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें पूछेंगे यहाँ के ओनर से। माशाल्लाह सिस्टमेटिक काम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जियाबे? जियाबे माशाल्लाह जो नेचुरल लुक आप घर पर रखें यहाँ पर, यानी कई सारे लोगों को मैं सजेशन करता हूँ कि ऐसा रहना चाहिए, लेकिन घर पे जगह नहीं रहती है, सेटअप तैयार नहीं होता। तो जो प्लांटिंग करके रखे आप टेरेस के ऊपर और जो गोट फार्मिंग करें आप, बर्ड्स की जो कॉलोनीज है आपके पास, बहुत अच्छा काम है। तो अभी ये जो बकरा है, क्या नाम है इसका? युम्न नाम है। अल-युम्न। अल-युम्न। खाली युम्न है, ओके। और युम्न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकरे का नाम था, तो अल का मतलब या, तो थोड़ा सा एहतराम के हिसाब में अपन लगा ले सकते हैं इसको। और यम के हिसाब जैसा नाम है वैसी क्वालिटी बनी हुई दिखी इसकी। क्या हाइट है इसकी? इसकी 40 है। 40। यहाँ पर लेक व्यू गोट फार्म के ओनर इमरान भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम। ओ माशाल्लाह, ये ठहरता है, जंप करता है? वही रहते थे पहले। अच्छा इमरान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इसकी क्वालिटी के ऊपर? क्वालिटी है और बाजीगर का बेटा है ये। बाजीगर बकरे का बेटा है, जावेद भाई का जो बाजीगर था जी, उन्हीं के घर से पैदा हुआ से बच्चा है ये। क्या हाइट है इसकी? 39 to 40। ये जेन्यून हाइट बता रहे हैं आप, लेकिन लोग देखने से तो उससे भी ज्यादा बोलेंगे 40 से, क्योंकि बहुत हाइटेड बकरा है। क्या साइज के कान है इसके? 19 इंच लंबा है और 8 इंच चकलान है। 8 से कुछ प्लस है या बराबर? 8 ही है। 8 है एग्जैक्टली, ये इसका रिजल्ट है, जो पार्ट है ये। अच्छा ये रिजल्ट भी इसका सामने है यहाँ पर। सिर्फ 1.5 महीने की और 13 इंच लंबा है और चकलान 5 इंच है। पाँच इंच। चेहरा देख सकते हैं आप माशाल्लाह। अच्छा चेहरा बन रहा, बहुत अच्छा चेहरा, लाइव पार्ट है बिल्कुल। इसकी माँ नासी थी क्या पूरी? हाँ नासी। ये नासी बकरी, जट नासी। अच्छा जट नासी थी, इसीलिए बच्चा ऐसा है, क्योंकि बकरा अबलग है लेकिन एकदम डार्क कलर के अंदर, कॉफी कलर आप देख सकते हैं इसका। अम्मा सेम कलर की है इसकी, इसकी माँ सेम नासी कलर में, ओके। वाइट आइस है और क्वालिटी देखिए बहुत अच्छी, झालर वगैरह इसकी। लेकिन ये जो जंप कर रहा है, यानी कूद के वैसा जंप कर रहा है? नहीं 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 नहीं, बचपन से यही बने थे अपन, बहुत हाइटेड है माशाल्लाह। खाने की आदत, पत्ते वत्ते खाने के आते। इमरान भी थोड़ा बाजू ठहरी है ऐसे ही आप, देखिए आप बहुत खूबसूरत उतर जाएंगे। हाइट के साथ लेंथ भी बहुत अच्छी है इसकी, और ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, गरम बकरा है, फास्ट रिजल्ट आ रहा है इसका। फूल पाला है इसको, बच्चों के साथ रखे, खुला रखे अपने घर में, इसीलिए मार रहा नहीं, यानी सबके बीच में खेल रहा लेकिन मार रहा नहीं। खेल कूद करके पला है लेकिन अग्रेसिव नहीं। हाँ एक्टिव बहुत ज्यादा है लेकिन अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, खेल मस्ती वगैरह बहुत ज्यादा है। अच्छा अब देखने वाले परेशान होते हैं, भाई ने मार देंगे, मार देंगे, नहीं मारता अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, लोग बोलते थे जैसे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा हाइटेड और वेटेड बकरे है या पड़ोसी मुल्क के पास है, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद में देखिए एक से एक शौक घरों पे पल रहा और आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने भी आ रहा। तो ऐसा शौक करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है तो अच्छा मेंटेन भी करना है, ज़रूरी है। हाइट लेंथ माशाल्लाह बहुत शानदार है इसकी, और मैं समझता हूँ अगर मैं भी बाजू ठहरा या दो पैरों पे ठहरा तो मेरी हाइट भी कम दिखेंगे इसके सामने। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और ये देना है अभी, ये निकालने के लिए है। तो क्या प्राइस है इसका आस्किंग? फोन पे बता दीजिए, पर्सनल रखेंगे, ठीक है। यानी शौकीन की चीज़ है तो शौक के हिसाब से रेट रहने वाला है, तो जो इंटरेस्टेड हो वही कॉल करिए। प्राइस सुन के परेशान हुए जैसा प्राइस नहीं है, यानी के अच्छे, जो अच्छा शौक करना चाह रहे हैं उन्हें अफोर्ड कर ले सकते हैं। ओके इमरान भाई, फिर भी अगर कुछ रेट का एक्सपेक्टेशन हो गया तो वैसे लोग कॉल कर सकते हैं, नेगेशियबल वाला रेट बोलिए आप, ऐसे नहीं है, थोड़ा बढ़ के ही बोलिए, क्योंकि लोग कम तो करवाएंगे कैसे भी। जी हाँ, देखिए माशाल्लाह प्योर ब्लड लाइन से है ये जी, और ब्लड लाइन में वैसे ही जो डिमांड चलती उतना भी ज़्यादा डिमांड नहीं करे उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने में भी माशाल्लाह अच्छा है, माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए, क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखिए हाइट लेंथ अच्छी है इसकी। क्या जो है रख सकते फिर भी एक एक्सपेक्टेबल 1.7 यानी 1,70,000 इसका आस्किंग प्राइस रख रहे हैं आप, और ये नेगेशियबल तो हो ही जाएगा, स्लाइटली नेगोशिएट करके दे देंगे, स्लाइटली नेगोशिएबल। जो पहाड़ों के अंदर गले की झालर देखते हैं वैसी झालर है इसके अंदर, थोड़ा आप उधर से ठहर के पकड़िए, इधर का कान उठाइए आप, देखिए इसके झालर, कान भी बिल्कुल साफ है उमर भाई, कोई फोल्डिंग या फिर
बिल्कुल एक भी चुमटी नहीं है। देखिए झालर बहुत ज़्यादा है इसकी, जैसे पहाड़ों के अंदर झालर देखते हैं आप, जो बुल्स में आती झालर वैसी झालर है इसकी। हाइटेड है माशाल्लाह, और जो शौकीन है उनको आइडिया भी रहता, वो लोग समझ सकते। अननेसेसरी जो लोग लेना नहीं है, आप लोग कमेंट्स भी मत करिए इसके ऊपर, यानी प्राइस से रिलेटेड बकरा कैसा दिखा इसके ऊपर आप बात करिए, ये बेहतर रहेगा। जो लेने वाले हैं उनका माइंड डाइवर्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। देखिए क्वालिटी वाली चीज़ है, हाइट लेंथ लंगर हर चीज़ है इसके अंदर। कान कितने बोले थे 19x8 ओके, और ये जेन्यून है, यानी कोई भी आया तो चेक करा के भी बतला दे सकते हैं। शो में भी चेक करें ना, अच्छा शो में भी आया था, तेलंगाना स्टेट लेवल जो शो हुआ था उसमें भी आया था, शो में भी आया 19x8 आया। चलिए तो और भी कुछ है आपके पास लाइव जी, बकरी बताओ ना क्या खूबी रहेंगे उसमें? शायद ही जो है शहर में किसी के पास होंगी। अच्छा जाफरान की डायरेक्ट बेटी है माशाल्लाह, जाफरान की डायरेक्ट बेटी है, जितने भी दिखा रहे जाफरान के पोतरे पोतरियाँ नवासे नवासे ही बता, लेकिन हम इंशाल्लाह ये वीडियो में जाफरान की बेटी है, यानी सेकंड थर्ड जनरेशन नहीं डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन आप बतलाने वाले हैं। और बच्चा दादी भी, बच्चे की फोटो वगैरह भी है अपने पास, ओके कोई पर्सनल में पूछ रहे तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है तभी इसमें डायरेक्टली बकरी बतलाएंगे आप, जो क्वालिटी इंशाल्लाह इसको ले लीजिए अंदर। देखिए चलन हाइट लेंथ वगैरह 1,70,000 इसका आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है। अभी जो बतलाने वाले हैं वो जाफरान की डायरेक्ट जो बेटी है वो बतलाने वाले हैं। ये वाली वो बकरी है जो जाफरान की डायरेक्ट बेटी है, और कान का साइज़ देखिए आप इसके भी बिल्कुल पत्ते की तरह। और देखिए मैं कई बार हर वीडियोस में बतलाया आप लोगों को, नीचे का जो हिस्सा होना कान का ऐसे यू टाइप के अंदर, अभी जैसे आ रहे हैं बिल्कुल वी टाइप का, वी का शेप बन जा रहा, नीचे से एकदम गुलाट आना चाहिए ऐसी, एकदम गोल खुला कान है पत्ते की तरह, ब्लडलाइन की जो पहचान है गड़ से खुले हुए बड़े कान। और दोनों थन चालू है इसके? हाँ दोनों थन चालू है व्हाइट आई से पंच फेस से जी, यूम से डोर दलाइसो है। ओके आपके पास जो अभी ब्रीडर बतलाया इसी से मेटिंग करवाए इसकी, अराउंड 1 मंथ का है लेकिन अभी कच्ची गाभिन है, खाली के हिसाब में समझ सकते हैं लेकिन है गाभ वो। ठीक है लेकिन 100% गारंटी देते हैं। मीटिंग ऑलरेडी हो गई देखिए, लेकिन एक महीने के रहने से कच्ची गाभिन है इसीलिए गारंटी नहीं है। और क्या प्राइस इसका एक्सपेक्टेबल कर रहे हैं आप लोग? इसका तो पर्सनल में ही बोलूंगा। अच्छा और इसके कान देखिए 17 इंच लंबा है, साढ़े सात इंच चकलान है, और थिकनेस भी अच्छा है, यानी जो बकरे का था वैसा भी अच्छा है इसका भी, और कड़कपन है इसके अंदर, यानी स्टिफनेस है एकदम, पंच फेस में है, व्हाइट आई से। कितने दांत पे है? 8 दांत पे आ गए। इसका प्राइस पर्सनल रहेगा, थोड़ा एक बार दोनों कान खोल के बतलाइए इसके। देखिए आप क्वालिटी देख सकते हैं, हाइट इस बकरी की भी माशाल्लाह बहुत शानदार है, यानी बकरों की तरह हाइट है इसकी। पंच फेस में बिना हाथ लगाए भी चेहरा अच्छा है इसका, और वाइट आईज है, डायरेक्ट ब्रीड लाइन है जाफरान की, इसीलिए पर्सनल इसका रेट रहेगा। जो बकरा है उसको भी एक बार ला के उसके भी कान खोल के बतला देंगे। उठाइए ये देखिए हाइट लेंथ और कान की क्वालिटी इसकी, 19 इंच लंबान 8 इंच चकलान, ये जेन्यून है और माशाल्लाह बहुत खुले कान के अंदर, हाइट वगैरह गौर कर सकते हैं आप। और इसकी बबरी भी कराए हुए है, बाल निकले हुए उसके बावजूद भी देखे, डेढ़ महीना पहले हुई भी। ठीक है और भी कुछ है आपके पास? ठीक है ला लीजिए। नेक्स्ट में माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी बकरी एक, जो सिर्फ पैच ला के सबूत दे रही के हैदराबादी है, वरना एकदम कम्प्लीटली गुलाबी, सिंग गुलाबी है इसके, खुर भी गुलाबी है, और क्वालिटी वाली बकरी है। पंच देखिए इसका वाइट आइस में। कितने दांत पे है बकरी है? ये भी पूरे दांत पे है, ओपन पे है। और क्या साइज है कान का? 16 इंच लंबान है, 16 इंच लंबान है, 7 इंच चकलान है, मोटे और थिक कान है। बहुत ज्यादा दोनों कान खोल के बतलाइए इसके भी। अब ऊपर से पकड़ के खोलिए उसको ऐसा, ये देखिए आप माशाल्लाह एकदम, यानी स्पॉटलेस वाइट आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैरों पे पैच है, ये तो हैदराबादी की प्रूफ है, सबूत है, वरना हाई पैट समझ लोगे। और आँख भी बहुत बड़े हैं देखिए, बिल्कुल साफ वाइट आईज है। अभी गाभ है या खाली है? ये भी 1 महीने की लोडेड है। अच्छा ये भी, यानी 1 महीने के रहने से कच्ची गाभ है इसीलिए बोल नहीं सकते।
सिंह हाँ मार्बल सिंह है, लेकिन आँख बहुत बड़े हैं साइज में, यानी बिल्कुल खुले नजर आ रहे हैं, एकदम वाइट है। ये कोई लाइन से है? ये मालूम तो नहीं, कोई लाइन की अननोन है, लेकिन लाइन से हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटीज है, जैसे ये थिकनेस है कान का इसके, और जो क्वालिटी चेहरे में आ रही है इसके, हाइट लेंथ है, ये प्योर हैदराबादी की है। थोड़ा दूर ले यार, क्वालिटी सारे ब्लड लाइन की है, लेकिन कौन से ब्लड लाइन की है अननोन है। और इसका प्राइस? इसका भी इंशाल्लाह पर्सनल में बोलेंगे, इसका भी पर्सनल में बतला रहे हैं। ठीक है, नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ओके डायरेक्टली जिया भाई से बात कर सकते। क्या साइज है बोले आप कान का? 16 इंच भाई, 7 इंच है, और ये भी ओपन पे है। ठीक है, दाना वगैरह सब खा रही ना ये भी? क्या हाइट होंगी इसकी इमरान भाई? ये बकरी की हाइट मैं समझता हूँ 37 रहेगी। 37, क्योंकि बहुत हाइटेड बकरी है, ये हाइट में तो बकरी की जगह बकरे आ जाते। 37, 38 बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बड़े बड़े प्रेम की बकरी है जी। हाँ, और कुछ है जी भाई आपके पास? यही है। ठीक है, परसों इसकी शानदार पार्ट थी, परसों इसकी पार्ट बिकी शानदार थी। क्या रेट में गई वो जो चले गई उसका तो बतला सकते हैं आप? 3-3.5 लाख में सिर्फ पार्ट गई उसकी, माशाल्लाह। और गुलाबी है, गुलाबी का क्रेज चल रहा भी वैसे, और बकरी वैसे ओपन पे है, तो आप लोग डायरेक्टली बात करके मालूम कर ले सकते हैं क्या प्राइस है इसका। जो इंटरेस्टेड हो डायरेक्टली टाइटल के नंबर पे कॉल करिए आप लोग। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोज़ बताऊँगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।